हेलो फ्रेंड्स, मैं एके पाठक, रिटायर्ड केवीएस नेशनल इंसेंटिव अवार्डी टीचर, आपका अजय कुमार पाठक का एजुकेशनल हब में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ही रजिस्ट्रेशन में आप कितने फॉर्म भर सकते हैं। एक ही सिटी में अगर तीन एक से ज़्यादा केवीज हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, तो कितने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अलग अलग सिटी में या अलग अलग स्टेट में। ये जानकारी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को दुविधा है कि वो एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर एक सिटी में एक से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय हैं तो वो एक ही फॉर्म भरेंगे, एक ही रजिस्ट्रेशन से वो कितने फॉर्म भर सकते हैं। ये जानकारी आपको प्रस्तुत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे जानकारी प्रस्तुत है। सबसे पहले आप, मैं ऑनलाइन ही बता दे रहा हूँ, गूगल सर्च करेंगे। गूगल में केवीएस ऑनलाइन एडमिशन, केवीएस ऑनलाइन एडमिशंस डालेंगे। इसके बाद केवीएस ऑनलाइन एडमिशन का ये पोर्टल आएगा, केवीएस ऑनलाइन एडमिशंस .kvs.gov.in। इस पोर्टल को हम खोलेंगे। इस पोर्टल पे इधर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस पे हम लिखेंगे। हाउ मेनी केंद्रीय विद्यालय कैन आई अप्लाई टू यूजिंग वन एप्लीकेशन। जो वन एप्लीकेशन है, ये मैं विद प्रूफ बता रहा हूँ, एक ही एप्लीकेशन है, एक ही रजिस्ट्रेशन किया तो हम कितने केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं एट मोस्ट 3 KVs इन एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन में 3 KV को ही, केवी में ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एक ही सिटी में हो तीनों केवी, या वो केवी अलग अलग सिटी में हो, या वो केवी अलग अलग स्टेट में हो। सिर्फ 3 KV में, उसमें केवी का नाम लिखना है, वहां तीनों एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। एक बच्चे के लिए सिर्फ 3 ही। अगर फादर और मदर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फादर और मदर कोई भी अप्लाई करेगा सिर्फ ओनली 3 KV के लिए। फादर अप्लाई करें या मदर अप्लाई करें, दोनों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जानकारी आपको प्रस्तुत कर रहा हूं और ये विद प्रूफ ऑनलाइन केवीएस पोर्टल पे दी हुई है। और आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।